हेलो व्यूअर्स, दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी गैप के बाद मौसम जो है ना थोड़ा आज सुहाना हुआ है। धूप काफ़ी खिली हुई है, सर्दियां काफ़ी थी, पाला काफ़ी पड़ा था इन दिनों। काफ़ी पूरा दिसंबर हो गया, जनवरी पूरी की पूरी पाला से लदी हुई थी और दोस्तों उसमें कोहरा भी बहुत पड़ा था। हमारे प्यारे एडेनियम कुछ रखे हुए हैं, इन सभी एडेनियम को मैं कुछ आपको इसके पाला से बचाने के लिए कुछ आपको ट्रिक्स देंगे। और अभी पाला पड़ गया है तो उनको बचाने के लिए ट्रिक्स देंगे, और अगर इस जो कंडीशन में सूख रहे हैं उसके बनाने अच्छे करने के लिए मैं ट्रिक्स दूंगा। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे एडेनियम रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं जितने भी एडेनियम हैं, इनको देखिए पाला पड़ा हुआ है। देखिए ये उसके सीड्स होते हैं, देखिए पूरा का पूरा ये एसिड की वजह से, पाला के एसिड होता है वो पूरा जल गया है। इधर हम दिखाएंगे सभी के सभी पत्तियां, देख रहे हैं सभी के सभी पत्तियां इनकी जल गई हैं। ये देखिए पूरी की पूरी सभी की सभी पत्तियां, ये देखिए सभी की सभी पत्तियां, ये देखिए सूख गई हैं। तो अब हम क्या करें, देखिए जैसे हमारा ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये सभी प्लांटों को अब हम क्या करेंगे, सर्दियों में इनको बहुत अच्छा सा बचाने के लिए, चूँकि ये डार्वेसी पीरियड में होते हैं। दोस्तों डॉर्मेंसी पीरियड का मतलब होता है कि ये सुसुप्तावस्था में रहते हैं और इनका डॉर्मेंसी पीरियड करीब 3 महीने का रहता है। अगर आप इसमें पानी डालते रहोगे दोस्तों तो आपको कुछ फ्लावर मिलते रहेंगे, आप देख सकते हैं हमारे अभी भी फ्लावर खिल रहे हैं, लेकिन इसमें उतने हेल्दी नहीं रहेंगे जितने हेल्दी इनको होना चाहिए था। मैं इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है दोस्तों वो आती है इसमें कीड़े लगने की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें किस तरह से कीड़े लगते हैं, आप देखिए, ये देखिए इसमें इस तरह के कीड़े लगते हैं जो हमारे पूरे पत्ती को देखिए ख़राब कर देते हैं। ये देखिए इसमें कीड़े लगते हैं, देखिए ये देखिए ये इस तरह के जो है ना, ये कीड़े हमारे एडेनियम में बहुत बहुत सारे लगते हैं और हमारे पौधे को पूरे के पूरे ख़राब करते हैं। दोस्तों हमारा जो ये एडेनियम है इसमें देखिए, इधर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए नीचे साइड में ये जितने भी हैं ये सभी वही कीड़े हैं। हालांकि हमको ऐसे नहीं है इसको हटाना चाहिए, दोस्तों मैंने अपने हैंड को स्टरलाइज कर लिया था। ये देखिए ये जितने के जितने आप देख रहे हैं सभी को सभी की जो है ना इसमें कीड़े लगे, बहुत स्टिकी चिपचिपा इसमें कीड़ा लगता है, और ये जिस पे भी ये कीड़ा लग जाता है वो पूरे प्लांट को जो है ना ख़राब कर देता है। तो दोस्तों हमें ये देख रहे सभी में आपको पत्तियों में दिखाएंगे, इसमें देखिए ये इस तरह का काला काला, इधर आप देखिए ये, तो ये क्या करते हैं, ये एक तो डॉर्मेंसी पीरियड में रहते हैं, दूसरा ये खाना भी बहुत कम बनाते हैं, तीसरा ये जो है ना सन इनको कम मिलता है, चूँकि ये डेजर्ट रोज हैं, सन की इसको बहुत ज़रूरत होती है वो भी नहीं इनको मिलता है। तो कई सारी चीज़ें एक साथ इनको मार झेलनी पड़ती है जिसकी वजह से हमारे एडेनियम जो है ना ग्रो नहीं कर पाते हैं और उसमें फूल भी नहीं खिलते हैं। दोस्तों अगर फूल खिलते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे फूल खिलते हैं, बहुत छोटे छोटे। अब हमने क्या किया था इन दोस्तों, मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसके इसलिए बता रहा हूँ, जैसे हमारे ये देखिए हमारे एडेनियम के प्लांट हैं, ये देखिए सभी जितने भी हैं, हमने इसको जो है ना क्या किया, हमने इसमें किसी में पानी नहीं डाला, देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सूखे जितने भी हमारे आप एडेनियम देखेंगे 100% मैंने इनको अभी ड्राई रखा है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि ये जो इसका जो कॉडेक्स एरिया है, ये देख रहे हैं कितने कॉडेक्स एरिया, देखिए इनका भी सभी का कॉडेक्स एरिया देखिए, ये देखिए ये कितना कॉडेक्स इसका है, ये बिल्कुल ड्राई पड़े हुए सभी के सभी बिल्कुल ड्राई पड़े, ये देखिए आपका इसका कॉडेक्स। उसका रीज़न ये है कि जब ये कॉडेक्स में इसमें पानी नहीं मिलेगा, तो ये दोस्तों डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इसके बाद जब फरवरी के सेकंड वीक में जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये पानी काफ़ी जो है ना ड्रिंक करेगा, पिएगा, सूखेगा, जिससे ये जो एरिया आप देख रहे हैं काफ़ी चौड़ा हो जाएगा और कॉडेक्स इसका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट कॉडेक्स को अच्छा करने के लिए। दूसरा दोस्तों इसमें अगर आप फ्लावर नहीं चाह रहे, देखिए मैंने जितने भी हैं इनकी सबकी सबको हमने दिसंबर के महीने के फर्स्ट वीक में सबकी मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, तो आप सभी के सभी देख रहे हैं कि ये डॉर्मेंसी के पीरियड की वजह से इसमें, दूसरा पानी कम की वजह से इसमें जो है ना ये सब पौधे सूख रहे हैं और गिर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह का इसका एक नेचर रहता है। इसी तरह देख रहे दोस्तों इनके ये फ्लावर्स देखिए कितने खूबसूरत, देखिए सभी के सभी फ्लावर ये निकले और सभी के सभी देखिए दोस्तों ख़राब हो गए हैं।
तो अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हमारा एडेनियम हमने इतना महंगा खरीदा था, खराब हो गया है, तो कोई घबराने की इसमें बात नहीं है। बस इसको ऐसे ही इसको अपने हाल पर छोड़ दीजिए। हम दोस्तों जो है ना आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए इसका सीट पोर्ट है, ये देखिए ये कितना खूबसूरत कितना हेल्दी सीट पोर्ट है। इसको सीट पोर्ट डेवलप करने के लिए मैं कुछ प्लांटों में जो है ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हैं, जिससे ये सीट पोर्ट जो है ना अच्छा सा डेवलप हो जाए। बाकी दोस्तों हम बीच बीच में क्या करेंगे, जो हमारे ये पत्ते हैं सभी के सभी, मैं इनके सभी के पत्तों को गिरा दूंगा इस तरह से धीरे धीरे, क्योंकि बेजान लगे हुए पत्ते हमारे प्लांट में अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने इसीलिए इनको जो है ना हटा दे रहे, तो ऐसे लगता है जैसे ये इसमें पतझड़ हो गया है। इसी तरह से जो है ना ये जो प्लांट मैंने कुछ इधर भी लगते हैं, देखिए इसमें देखिए कितना बढ़िया सीड पॉट है, बहुत अच्छा सीड पॉट चल रहा है। ये इसी तरह से देखिए हमारा ये सब है ग्राफ्टेड पे, ये सभी के सभी खराब हो। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए इसमें देखिए ये बिल्कुल का पूरा इसमें पानी ज़्यादा हो जाने की वजह से आप देख रहे हैं ये पूरा फंगस इसमें लग गया। ये देखिए बिल्कुल ये आपको ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पूरा का पूरा इसका रूट कैसे इसका रूट पूरा रॉट हो गया है। मैं देखिए पूरा रूट रॉट हो गया है, ये इस तरह से जो है ना हमारे जो है ना एडेनियम के रूट्स जो है ना ऐसे रोटेड हो जाते हैं पूरे के पूरे ख़राब। ये देखिए अभी मैं थोड़े दिन को इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसके बाद हम इसको ट्रीटमेंट देंगे और इसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये देखिए दोस्तों सभी का सभी पूरा का पूरा ये ख़राब हो गया, ये देखिए ये पूरा ख़राब हो गया, इसीलिए ये देखिए देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा यहाँ से ख़राब हो गया, तो मैं अभी इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। इधर हमने कुछ और रखे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा, देखिए हमारे ये छोटे छोटे मैंने इनको सबको ग्राफ्टेड किया है। ग्राफ्टेड करने के बाद मैंने ये देखिए सबको यहाँ पे, ये देखिए आप शेड है, ये शेड के नीचे मैंने नीचे देख, ये देखिए शेड है, ये इसको मैंने देखिए शेड के नीचे जो है ना ये सभी के सभी मैंने देखिए नीचे ये लगा रखे, ये देखिए ये सारे के सारे मैंने सबको ग्राफ्टिंग करके देखिए सभी के सभी नीचे लगा रखे हैं। मैंने बचाने की कोशिश की है कि ये जो है ना हमारे कोहरे से बच जाएं। तो आप देख सकते हो दोस्तों सभी में मैंने अभी पानी बिल्कुल भी नहीं दिया है, उधर भी मैंने कुछ लगा रखे हैं, मैंने किसी में पानी अभी नहीं दिया है। उसका रीज़न यही है कि अच्छा सा हम इसको एक अच्छा कोडेक्स बनाएंगे, इस वजह से मैंने इसमें पानी नहीं दिया है। ये देखिए दोस्तों वन बाई वन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ सब, ये देखिए हमारे पास जो है ना कुछ हमारे सब्सक्राइबर थे, कुछ व्यूवर थे, उनके पास क्यूरी आई थी कि हमारे एडेनियम सभी के सभी सूख रहे हैं, हमारा महंगा प्लान था। एक्चुअली बेसिक जानकारी ना होने की वजह से मैंने उनको फिर आंसर दिया कि नहीं, मैं आपको एक वीडियो बना के डालते हैं जिससे आप जान जाएंगे कि कैसे क्या करना है। दोस्तों हमारा चैनल है सम्यक टेरिस गार्डन में, मैंने कई तरह के इसमें वीडियो बना के डाले हैं और सब में मैंने कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की है कि इसको कैसे एडेनियम को बचाया जाता है। ये आप इसी तरह से मैंने अभी क्या है, देखिए धूप काफ़ी अच्छी खिलने लगी है, इसमें काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है इस समय, तो हम एडेनियम की जो हमारी पत्तियां सूख चुकी हैं हम उन सभी की सभी एडेनियम की पत्तियों को जो है ना हटा देंगे, और कुछ जो है ना हमारे रॉटेड हो गए उनको भी मैं देख लूँगा, लेकिन बस कोशिश यही करना है कि उसमें भी पानी ना डालें। अगर बहुत जो है ना 80% सूख गए हैं दोस्तों तो उसमें थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हो उसको बचाने के लिए, अदरवाइज उसको ड्राई ही रहने दीजिए, उसको ऐसे ही उसके हाल पे छोड़ दीजिएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा दोस्तों वीडियो था हमारे एडेनियम पे सर्दियों में, या हमारा किस तरह से ये एडेनियम हो जाते हैं, और हमारे सारे काफ़ी व्यूवर्स जो है परेशान थे, ख़राब हो गया हमारा पूरा। ऐसा नहीं है दोस्तों ख़राब नहीं हुआ है, अभी इसके बाद फरवरी में आप देखेंगे तो ये आपका काफ़ी अच्छा बहुत बढ़िया हो जाएगा और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये छोटा सा एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। दोस्तों मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर इसमें जो जानकारी दी आपको पसंद आई हो, तो मेरा चैनल को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें,
और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जो है ना हमारा नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियो बनाए आप सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच जाए और आप जो है ना उसका आप फ़ायदा उठा सकें। तो मैं आग्रह करूंगा कि एक बार ज़रूर हमारे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।